बिसम रहीम सो वी डूइंग डेरीवेटिव आज हम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जिसको आप सी डी एस पी कहते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप एज अ टाइप ऑफ क्रेडिट डेरीवेटिव दैट प्रोवाइड द बायर विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट एंड अदर के अगर कोई डिफ़ल्ट होता है तो उसके अगेंस्ट आपको इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू प्रोटेक्शन मिल जाती है नॉर्मली जब आपने कुछ लैंडिंग की होती है वहाँ पर यह इसका रूल ज़्यादा इसकी यूटिलिटी ज़्यादा आ जाती है द बायर ऑफ सी डी सी में एक अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेमेंट टू द सेलर अंटिल द क्रेडिट मेच्योरिटी डेट के जब तक वो साइकिल कंप्लीट होता रहता है तब तक वो एक प्रोडक्ट पेमेंट करते रहते हैं उसके अगेंस्ट उनको एक प्रोटेक्शन मिलती रहती है इसको ज़रा अपने माइंड में थोड़ा करें अगर आप रिकॉल कि ये किसी चीज़ से मिलती है चीज़ ऐसे कि आप कुछ अर्थे तक रेगुलर पेमेंट्स करें और आपको कुछ अर्से तक प्रोटेक्शन मिले ये ज़रा माइंड में थोड़ा रन करें इन दफ कमिंग स्लाइड यूल गेट टू नो हु

सेफ गार्ड कर रहा है कि अगर जिस पार्टी का आपने इंस्ट्रूमेंट लिया वो नहीं देती डिफॉल्ट कर जाती है तो ये जिसका आपने सी लिया होगा ये आपको वो पे कर रहा होगा थ्रू अ क्रेडिट स्वैप अ बायर कैन टेक रिस्क कंट्रोल मैयर्स बाई शिफ्टिंग द रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी जी ये वर्ड मैं आप सबों के जहन में लाना चाह रहा था इंश्योरेंस तो इट्स लाइक अ इंश्योरेंस इंश्योरेंस में भी यही होता है कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे अपना रिस्क जो है उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं अगर कोई बैड सिचुएशन आती है इन लाइक इन ऑटो इंश्योरेंस गाड़ी की आपने इंश्योरेंस ली है तो कुछ बैड हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी तो सिमिलरली सी भी ऐसे ही है जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस कि अगर कोई बैड सिचुएशन आती है दैन इंश्योरेंस कंपनी विल पे सी डी एस लाओ पर चेजर टू बाय प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनलाइकली इवेंट दैट मे अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट जो हमारी इन्वेस्टमेंट को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है उसकी प्रोटेक्शन हमने सी डी एस के थ्रू ले ली यूज ऑफ सी डी एस इन्वेस्टर कैन बाई डिफॉल्ट स्वैप फॉर द फॉलोइंग स्पेकुलेशन के लिए ले सकते हैं आरबी ट्राज ऑपरचुनिटीज के लिए एंड मेनली फॉर हैजिंग परपजेज तो दीज आर द मेन स्पिरट्स जिसकी वजह से सी डी एस यूज होती है स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टर कैन बाय एंटिटी डिफॉल्टैप बिलीविंग दैट इट्स टू लो और टू हाई एंड अटेम्प टू मेक प्रॉफिट फ्राम इट बाई एंट्रिंग इन द ट्रेड कि अगर आपका ख्याल है इसके रेट्स बहुत लो हैं और ये बढ़ जाएंगे या आपके चांसिस कब इसका ख्याल है किसी कंपनी के चांसिस हैं डिफ़ॉल्ट के एंड यूज बाय द सी डी एस टू अर्न मनी सो ये एक बेसिकली स्पेकुलेटिव मोटिव है जस्ट प्रॉफिट मोटिव में आ रहे हैं आपकी रियल नीड नहीं है लेकिन जस्ट टू अर्न समथिंग यू आर एंट्रिंग ऑल्सो इन्वेस्टर कैन बाय अ सी डी एस प्रोटेक्शन टू स्पेकुलेट कंपनी इज लाइकली टू डिफॉल्ट जैसे मैंने अभी बताया कि उसके चांसेज हैं कि डिफॉल्ट जा सकते हैं तो आप उसके सी डी एस ले लेते हैं कि अगर वो डिफॉल्ट करेगी तो यू विल गेट द बेनिफिट या आप इसका रिवर्स ट्रांजेक्शन भी कर सकते सो तो ये बेसिकली दीज आर स्पेकुलेटिव मोटिव आरबीट्राज आरबीटराज इज अ प्रैक्टिस ऑफ बाइंग सिक्योरिटी फ्राम वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग एन अदर एट अ रिलेटिवली हायर प्राइस देयर फॉर बेनिफिटिंग फॉर टेम्प्रेरी डिस्ट्रेंस की जो फ्रिक्शन होती है या जो गैप है मिस प्राइसिंग है उसको यूटिलाइज करने के लिए आप ये काम करते हैं हेजिंग हेजिंग इज एन इन्वेस्टमेंट एम्ड डट रिड्यूसिंग रिस्क ये मेन कोर यूज़ है बेसिकली कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आपको डर है कि कहीं उसमें बहुत ज़्यादा फॉल ना आ जाए या वो पार्टी डिफॉल्ट ना कट जाए तो उसके लिए आप सी डी एस लें तो दीज आर द रियल यूजर्स एंड द रियल बेनिफिटर फ्रॉम द इंश्योरेंस क्योंकि असल में उनको ये इनको है जिनको रिस्क है और अपना ये रिस्क कवर करना चाह रहे हैं इफ़ द बॉर्डर डिफॉल्ट द प्रोसीड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस ऑफ एवे द डिफॉल्टेड डेट इन द एबसेंस ऑफ सी डी एस बैंक में सेल द लोन टू अनादर बैंक ऑफ फाइनेंस तो बेसिकली अगर सी डी एस नहीं होता तो वो फिर लोन्स वगैरह ये मूवमेंट भी होती है तो बेसिक सी जो है वो सपोर्ट ये कर रहा होता है कि इन केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो यू आर बेनिफिटेड फ्रॉम द कंपनी जो प्रोटेक्शन दे रही है कि अगर जो डिफॉल्ट हो गया है तो वो उसको आपको कंपनसेट करेंगे रिस्क ऑफ सी डी एस वन ऑफ द रिस्क ऑफ सी डी एस इज दैट बायर मे डिफॉल्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट देयर बाय डिनाइंग द सेलर द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू द सेलर ट्रांसफर द सी डी एस टू अनादर पार्टी एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क बेडिट में लीड टू डिफ़ॉल्ट यानी कि वो सी डी एस के पार्टिसिपेंट इतने स्ट्रॉन्ग ना हो कि दे कैन डिफॉल्ट उसमें भी एक माइनर डिफॉल्ट का प्रोटेक्शन का इशू रह जाता है यानी काउंटर पार्टी टाइप रिस्क रहता है लेकिन ये नॉर्मली क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो ये रिस्क होता वैसे कम है बट स्टिल इट कैन बी देयर बिकॉज सिचुएशन कैन वर्कस फॉर एनी वन

तो डिफ़ॉल्ट का एलिमेंट रिस्क फिर भी रह सकता है लेकिन इन इट्स आइसोलेशन या इन इट्स जनरल टर्म इट इज़ अ वेरी गुड टूल प्रोटेक्शन के लिए ये इस्तेमाल होता है और सेफ गार्ड करता है फ्रॉम द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट थैंक यू